से है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शगुनिका क्रिएटिविटी। तो आज मैं आप लोगों के साथ और एक थीम केक शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही क्यूट सा है, विदाउट नोजल है, आप लोग कोई भी बना सकते हो। और ये वाला केक जो है मतलब 1 पाउंड 2 पाउंड में फोंडेंट से बनाया जाता है, लेकिन मैंने बेंटो केक में बनाया, उसमें भी क्रीम से बनाया, कुछ विदाउट फोंडेंट ये केक है। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी इसका जो फाइनल लुक है मतलब आप लोगों को पता चलेगा। बहुत ही क्यूट सा बना है। और ये वाला केक मेरा फ्रेंड ने ऑर्डर दिया था, वो मैं बता देती हूँ, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और उनका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था तो उसके लिए मुझे ऑर्डर दिया था। तो इस ये रहा, मैंने जो है बेंटो केक लिया था, उसको मैंने 3 स्लाइस में कट करके असेंबल कर लिया है, शुगर सिरप से सोक, देन क्रीम केक लिया। और इसी तरह से अभी मैं फाइनलाइजिंग कर रही हूँ। तो फाइनलाइजिंग में हल्की सी पीच और ऑरेंजी शेड में कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोटो भी मैंने भेजा था तो उसको वही अच्छा लगा था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सेम टू सेम बनाऊँ। हालाँकि सेम टू सेम तो किसी का भी नहीं होता, खुद का केक भी अगर आप बनाओगे तो सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो इसी तरह मैंने जो है पीच शेड को ले लिया है पैपिंग बैग के मदद से, और पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की मदद से मैं जो है फिनिशिंग दे रही हूँ, जितना हो सका मैंने किया। तो मैं रहती हूँ 300 ग्राम में। अगर आप लोगों को मेरे से केक लेना है तो कॉन्टेक्ट कमेंट में बताया करो, तो मैं जो है पूरी डिटेल्स दे दूँगी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा और बहुत सारी थीम केक और आप लोगों की जो भी डिज़ाइन हो वो मिल जाएगा। और मतलब अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरा केक का वीडियो कैसा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अभी जितना फिनिशिंग हुआ मैंने किया, उसके बाद जो सिलिकन के ब्रश होती है उसी से मैंने पैटर्न बना दिया है। अभी मैंने एक टिश्यू पेपर ले लिया है नैपकिन, उसके ऊपर मैंने इसी तरह पैलेट नाइफ की मदद से मैंने प्लेस कर लिया है, और अभी बंद करके देख रही हूँ कि वो लगता है कि नहीं, तो प्रॉपर हाइट में बना है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, मतलब ऊपर बॉक्स में लगने की कोई चांस नहीं है। तो अभी मैं जो ऊपर की जो टॉपर है वो मैं बना रही हूँ। तो ये है मेकअप थीम केक, तो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, तो मेकअप थीम केक, तो इसके लिए मैंने जो है पैलेट बना रही हूँ, जो मतलब आई शेडो पैलेट होती है प्लस या ब्लश ऑन होती है, तो उसी तरह से मैंने एक पैलेट बना रही हूँ। तो मेरे पास ना ब्लैक कलर नहीं था, तो मैंने ब्लैक कलर अगर होता तो मैं ब्लैक कलर की मदद से ये जो है बना रही हूँ, वो ब्लैक कलर की मदद से बनाती, फ़ोटो में भी ब्लैक कलर में था लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने जितना हो सका मैंने डार्क ब्लू करने की कोशिश की। उसके बाद ये रहा कॉम्पैक्ट, और ये रहा कॉम्पैक्ट, तो जो केक की बेस है उसी से मैंने जो है कॉम्पैक्ट मैंने बना दिया है। सब मैंने जो है पाइपिंग बैग की मदद से कर रही हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। और ये रहा मैं लिपस्टिक बना रही हूँ, तो लिपस्टिक का जो नीचे वाला पार्ट होता है प्लास्टिक का, तो वो ज़्यादातर ब्लैक ही होता है या कोई भी कलर हो सकता है, मेरे पास भी है बहुत सारे कलर, तो मैंने वो लगाया। और ये रहा फोंडेंट से मैंने लिपस्टिक बना दिया, होममेड फोंडेंट है, ठीक है, तो कलरफुल होममेड फोंडेंट नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं सब कुछ होममेड फोंडेंट से बनाती, लेकिन देखना चाहिए ना कि क्रीम से भी होता है कि नहीं, तो मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि क्रीम से बनाऊँ। तो ये रहा ब्लश ऑन या आईशेडो पैलेट, कोई भी कुछ भी आप कह सकते हो, हाइलाइटर आईशेडो पैलेट भी कर सकते हो, मैं हाइलाइटर बोल रही हूँ। तो मैंने तीनों चीज़ें बनाया, एक पैलेट, एक कॉम्पैक्ट और एक लिपस्टिक, इसमें ना ब्रश भी था। तो मैं जब बना रही थी ना थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया, मतलब क्या थोड़ा एडजस्ट करने से हो जाता, लेकिन मैंने बना दिया था तो उसको बिगाड़ने का मन नहीं था, क्योंकि पूरा ऊपर का क्रीम ख़राब हो जाता, तो इसीलिए अभी मेरा टॉपर बन गया है। अभी मैं जो है जो रोज़ पेटल्स है, तो ये मेरे घर के रोज़ पेटल्स है, तो इसको मैंने जो है बॉर्डर पे बना लगा रही हूँ। जो फ़ोटो था उसमें भी काफ़ी सारी फूल थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई फूल नहीं थी, तो मैंने इसीलिए रोज़ पेटल्स लगा लिया है। और थोड़ी सी जिप्सी थी मेरे पास, थोड़ी सी, बहुत ही कम, तो वो मैंने लगा दिया था। और ये रहा फाइनल लुक, मिनी मेकअप थीम केक। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।